हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 12 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट एनफोर्स्ड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी के द्वारा इनमें से कौन सा लॉ एनफोर्स किया नहीं जाता? फर्स्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। थर्ड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एंड फोर्थ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। So let us see what is the correct answer. Correct answer is D, Unlawful Activities Prevention Act. ये एक्ट जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। UAPA एक्ट जो है लास्ट टू लास्ट ईयर इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए थे। तो इसके अंदर एनफोर्समेंट एजेंसी कौन सी है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA के द्वारा ये पर्टिकुलर लॉ जो है उसे एनफोर्स किया जाता है। बाकी के तीन लॉ जो दिए गए हैं, दे आर एनफोर्स्ड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बिकॉज दे आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक क्राइम एंड दिस पर्टिकुलर लॉ इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ पर्टिकुलरली इनेक्टेड टू काउंटर टेररिज्म। सो अभी ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था कि किस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा काफ़ी सारी मीडिया एजेंसीज़ है उनको टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी सीज कर रहा है ड्यू टू अलीज्ड अटैचमेंट फॉर दी सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइम। तो यहाँ पे ये सारी एजेंसीज़ जो है उसका लिस्ट दिया गया है कि किस तरीके से ये चार सेंट्रल एजेंसी जो है वो कॉन्ट्रोवर्सी में रहती है बिकॉज ऑफ देयर अलीज्ड रोल बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स और मेथड्स आर यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी अटैक। मतलब इनमें से साइबर सिक्योरिटी अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी मेथड या फिर टूल यूज किए जाते हैं? फर्स्ट इज ट्रोजन्स, सेकेंड मालवेयर एंड थर्ड बॉटनेट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों अलग अलग टाइप के टूल या फिर मेथड है जिनके द्वारा साइबर सिक्योरिटी अटैक किए जाते हैं, पर्टिकुलरली नोन एज साइबर अटैक्स। ट्रोजन जो है इट इज वन काइंड ऑफ वायरस। मालवेयर जो है जिसका पूरा नाम ये होता है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा किसी पर्टिकुलर सिस्टम को टारगेट किया जाता है। बॉटनेट जो है वो भी पर्टिकुलरली ये करंट में ज़्यादा टर्म रहती है बॉटनेट्स। अब ये तीनों मेथड्स जो है उसको ये कल के आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है विच टॉक्स अबाउट डिसइंफॉर्मेशन इज अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। कि किस तरीके से अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक हिस्टेरिया क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में साइबर सिक्योरिटी का बेसिक काफ़ी अच्छा दिया गया है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी अटैक्स आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग, तो ये मेथड्स दी गई है, मालवेयर, वायरसेस, ट्रोजन्स, बॉटनेट्स एंड सोशल इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में ये भी दिया गया है कि डिसइंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कॉग्निटिव हैकिंग। फर्स्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ साइबर अटैक ऑन एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड, इट एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबल साइकोलॉजिकल डेटा एंड कैन इन्फ्लुएंस लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, कॉग्निटिव हैकिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के जो साइकोलॉजिकल डेटा है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए आप उस टाइप की हैकिंग एक्सिक्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इससे पहले जो US के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे ये केस जो है वो काफ़ी फेमस बना था। वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है कैम्ब्रिज एनालिटिका, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा ये कॉग्निटिव हैकिंग करके वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए इस टाइप का हैकिंग जो है एग्जीक्यूट किया गया कि वो लोग ऐसा माने कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो अच्छी है, तो इसलिए उनको इन्फ्लुएंस किया गया बाय यूजिंग देयर साइकोलॉजिकल डेटा। तो ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर हो सकता है, किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे हो,
सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड जो है वो करेक्ट है. आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. तो इसी आर्टिकल के अंदर सबसे पहले बात की गई है कि किस तरीके से कॉग्निटिव हैकिंग को यूज किया जाता है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस पैराग्राफ के अंदर आपको मिल जाएगी कि कॉग्निटिव हैकिंग है क्या. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. फर्स्ट, कोरोना वायरस इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट आर ऑफन द सोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. सेकेंड, एनिमल बेस्ड कोरोना वायरस कैन म्यूटेट टू फाइंड अ ह्यूमन होस्ट. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. कोरोना वायरस जो है वो कोई एक वायरस नहीं है, ये एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है. तो जिसका मेन सोर्स जनरली क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को टारगेट करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो एग्जाम्पल से जूनोटिक पैथोजेंस के, मतलब कि पहले वो वायरस जो है वो एनिमल में डिटेक्ट हुआ और फिर जाके वो वायरस जो है वो म्यूटेट हुआ. म्यूटेट मतलब कि आप जनरल टर्म में ऐसा समझ सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से चेंज हुआ कि वही वायरस ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सके. फॉर एग्जाम्पल कि इबोला है, पॉपुलरली अफ्रीका रीजन के अंदर देखने को मिलता है. फिर उसके बाद है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. फिर उसके बाद है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और अभी है नोवेल कोरोना वायरस. तो ये सभी कोरोना वायरस के एक प्रकार है. अभी जो देखने को मिल रहा है वो भी इसी तरीके से माना जाता है कि ये म्यूटेट होगा और फिर ह्यूमन के अंदर वो इन्फेक्ट करेगा. सो द आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू. सो काफी सारी कंट्रीज के अंदर अभी फिर से ये कोरोना वायरस के केसेस जो है वो ट्रेस हो रहे हैं. तो इसलिए ये आर्टिकल दिया गया है कि अगर इसका ओरिजिन हमें पता चल जाए तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से अभी ये फिर से स्प्रेड हो सकता है. बिकॉज रिसेंटली जो काफ़ी सारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी ये कहा था कि अभी तक हम डेंजर सिचुएशन में से बाहर नहीं आए हैं. इट इज़ पॉसिबल कि फिर से इसका एक आउटब्रेक देखने को मिले. तो यहाँ पे ये बेसिक उसका जो नाम दिया गया है अभी जो कोरोना वायरस है उसका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2. सो ये नाम जो है वो WHO के द्वारा दिया गया है. कौन सी मेथड यूज होती है WHO के द्वारा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ हुदायबिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन. फर्स्ट इज हिंदू, सेकेंड बुद्धिज्म, थर्ड इस्लाम एंड फोर्थ जुडाइज्म. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, इस्लाम. ये ट्रीटी ऑफ हुदायबिया जो है वो अराउंड 628 CE में साइन हुई थी बाय द इस्लामिक प्रॉफेट मोहम्मद विद द कुरैशीज. अब मदीना जो है वो उस टाइम पे एक स्टेट हुआ करता था. तो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे मोहम्मद प्रॉफेट और दूसरा स्टेट था मदीना. तो ये सॉरी मक्का. तो ये मक्का एंड मदीना के बीच में ये जो ट्रीटी हुई फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस, तो उस ट्रीटी को क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ हुदायबिया, राइट. और वहाँ से फिर इस्लामिक रिलीजियन जो है उसकी फिलोसॉफी वगैरह स्टार्ट होती है. सो द आंसर इज सी, इस्लाम. सो अभी रिसेंटली ये जो बहुत ही अच्छे मुस्लिम स्कॉलर है उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है जिनका नाम है मोहम्मद वहीदुद्दीन खान. तो उनकी क्या फिलोसॉफी है, वो किस तरीके से पीस में बिलीव करते हैं और उन्होंने क्या आइडियोलॉजी दी है. सो हिज आइडियोलॉजी इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द ट्रीटी ऑफ हुदायबिया. यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि उसकी डिटेल्स दी गई है कि कब ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी और उसके मेन आइडियोलॉजिकल बेसिस कौन से थे. तो किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अभी भी स्कॉलर एक्टिविटीज़ के अंदर ऐड हो सकते हैं एंड अभी भी वो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है. काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, कुछ रेफरेंसेस हैं यहाँ पे, उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. फर्स्ट,
ही सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट एंड टुक पार्ट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सेकेंड, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. एंड थर्ड, ही वॉज इन फेवर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्टीशन. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन एंड टू. थर्ड इज इनकरेक्ट. अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, आपको अगर ये चीज़ पता है कि जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फर्स्ट गवर्नमेंट बनाई गई तो उसके अंदर वो एजुकेशनल मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो उनके पास थी. अगर आपको ये फैक्ट पता है तो आप आसानी से इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाएंगे, बिकॉज अगर वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्टीशन को फेवर करते थे तो फिर वो यहाँ की गवर्नमेंट में होते ही नहीं. तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. अगर आपने ये एलिमिनेट कर लिया तो बाकी के ऑप्शन जो है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे. तो ये जो है वो करेक्ट है. ही वॉज अ स्कॉलर जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था. ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल और वहाँ पे उन्होंने अरबिंदो घोष को सपोर्ट किया था इस पार्टीशन को प्रोटेस्ट करने में. सो द राइट आंसर इज ए, वन एंड टू. सो इस आर्टिकल के अंदर एंड में ये कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए गए हैं जिसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सर सैयद अहमद खान को मेंशन किया गया है. तो ये दोनों पर्सनालिटी जो है मुस्लिम कम्युनिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में. सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. फर्स्ट, करंटली वुमन सीकिंग टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी बियॉन्ड 20 वीक्स हैव टू फेस द कंबरसम लीगल रिकोर्स. सेकेंड, द एमटीपी बिल, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. द एमटीपी बिल 2020 proposes the requirement of the opinion of two registered medical practitioner for termination of pregnancy up to 20 weeks of gestation. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली. सेकेंड इज इनकरेक्ट. अब करंटली ये पोजिशन क्या है, तो अगर किसी को 20 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी का टाइम है और उसे टर्मिनेट करना है तो वहां पे मिनिमम दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए. उनके कंसेंट के बिना आप वो प्रेगनेंसी जो है उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते. अब उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि इसको जस्टिफाई करते करते काफ़ी डिले हो जाता है और सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क जो है वो उस पर्टिकुलर लेडी के ऊपर आता है. तो इसलिए इस पर्टिकुलर एक्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसके अंदर अमेंडमेंट लाना चाहिए. अब गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ. तो इसलिए ये फिर से कंट्रोवर्सी में है. अब बिल का मेन प्रोविजन क्या है कि अगर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो वहां पे सिर्फ, यहां पे दो नहीं है, इट शुड बी वन ओनली. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन गिव हिज कंसेंट टू टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी. तो ये यहाँ पे दो की जगह एक आएगा, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. आंसर इज ए, वन ओनली. सो जैसा कि मैंने कहा कि ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, डिनाइंग वुमन द राइट ओवर देयर बॉडीज. तो क्यों इस बिल को डिले किया जा रहा है पास करने में, इसके कंसर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं. एट्थ क्वेश्चन, consider the following statement with respect to the impact of oil spills. First, it reduces the level of dissolved oxygen. Second, it creates a condition of hypothermia for birds. And third, it leaves a toxic impact upon marine species. तो चलिए देखते हैं correct answer क्या होगा. Correct answer is D, 1, 2, 3. ये तीनों correct है. अब ऑयल स्पिल की वजह से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर बॉडी और यहाँ पे ये पूरा ऑयल स्पिल जो है वो देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, द सनलाइट कैन नॉट पेनेट्रेट इन टू द वाटर. अब अगर वाटर के अंदर सनलाइट जो है वो नहीं पेनेट्रेट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल रिड्यूस होगा. सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है. अब यहाँ पे अगर कोई बर्ड्स प्रेजेंट है पर्टिकुलरली इन दी मार्शी लैंड, तो वो बर्ड्स जो है उसके ऊपर ऑयल का एक लेयर बन जाएगा,
उस ऑयल के लेयर की वजह से कंडीशन कौन सी होगी? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो बाहर का टेम्परेचर उससे भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल का कवर है, इसकी वजह से वो हीट लॉस नहीं हो पाएगा। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीट लॉस वो बर्ड्स जो है उनकी डेथ हो सकती है। तो सेकेंड जो है वो करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि मरीन स्पीसीज जो है उसके ऊपर एक टॉक्सिक इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो ये आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। सो अभी टाइटेनियम फैक्ट्री के अंदर ये ऑयल स्पिल हुआ है पर्टिकुलरली, तो इसलिए ये ऑयल स्पिल का टॉपिक न्यूज़ में है। इससे पहले मॉरिशियस के अंदर जो ऑयल स्पिल हुआ था, इट इज सेड दैट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल स्पिल्स इन द हिस्ट्री, तो इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अब जो दो क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020? फर्स्ट, नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम 3 नेबरिंग कंट्रीज विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स इफ दे हैव कम बिफोर 1971। सेकेंड, द एक्ट अलाउज अ पर्सन टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये सब मुद्दे जो है वो न्यूज़ में साथ में रहते हैं, CAA है, देन NRC है, तो दोनों के कंटेंट जो है वो कई बार मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज 1971 जो है वो NRC की वजह से न्यूज़ में है और CAA के लिए लिमिट कौन सी है, 2014। अगर 2014 से पहले कौन सी 3 नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इनमें से जो टोटल 6 नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स है, अगर 2014 से पहले इंडिया में आए हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा। तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस ईयर। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि वो नेचुरलाइजेशन के तौर पे यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है उतने टाइम तक अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर एलिजिबल फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। तो अर्लियर इट वॉज 11 ईयर्स, जिसको रिड्यूस करके अभी 5 ईयर्स कर दिया गया है। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो अभी BJP के लीडर्स जो है वो ये कहते हैं कि एक बार वैक्सीन ड्राइव खत्म हो जाए उसके बाद हम हमारा प्रॉमिस जो है वो नहीं भूलेंगे टू इम्प्लीमेंट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो फिर से इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, धौली गंगा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा रिवर। सेकेंड, नंदा देवी नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अलकनंदा रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है धौली गंगा रिवर, एंड नंदा देवी नेशनल पार्क जो है विच इज़ सिचुएटेड अपॉन दी नंदा देवी ग्लेशियर, जिसको 1988 के अंदर ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आइडेंटिफिकेशन मिला था। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। सो जैसा कि मैंने कहा था कि उत्तराखंड का जो हादसा हुआ है तो उसके चलते ये हर रोज़ न्यूज़ में कोई ना कोई टॉपिक आपको इसके अंदर से मिल ही जाएगा, तो ये सब जियोग्राफिकल आस्पेक्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।